जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। दोस्तों अभी होंडा की नई बाइक आई है एक्स ब्लेड और काफी सारे लोग उसको लेना चाहते हैं, लेकिन उसे लेने से पहले ये मेरी वीडियो जरूर देख लें। और दोस्तों मैं ये जो आपको बात बता रहा हूँ कि क्या आपको होंडा एक्स ब्लेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो ये अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास होंडा हॉर्नेट है और करीबन 4-5 हज़ार किलोमीटर में उसको चला चुका हूँ ऑलरेडी। और जो मुझे लगता है, जो मेरी मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे महसूस होता है, उसी के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों होंडा ने अपनी दो बाइकें, अभी 160 सीसी में दो बाइकें उसकी अभी तक उपलब्ध थी, जो पहली थी यूनिकॉर्न 160 और दूसरी थी होंडा हॉर्नेट 160। अभी यूनिकॉर्न जो थी, एक वो बहुत ही एक फैमिली पर्सन के लिए, मतलब एक जिसको एक बहुत सिंपल सी बाइक चाहिए, ज़्यादा हाई फाई लुक भी नहीं चाहिए उसको, नॉर्मल सी एक बाइक चाहिए, तो उसके लिए कंपनी ने एक ये बाइक निकाली थी। और ये बुरी नहीं, बहुत अच्छी लगती थी बाइक, मतलब सही बढ़िया एकदम लगती थी। दूसरी फिर उसने एक बाइक निकाली यंग जनरेशन के लिए, और जिनको थोड़ा सा मस्कुलर टाइप की बाइक चाहिए, तो होंडा हॉर्नेट उसने निकाली। और होंडा हॉर्नेट मेरे पास है दोस्तों, 5 हज़ार किलोमीटर करीब मैं उसको चला चुका हूँ। बाइक बहुत बढ़िया है, थोड़ी बहुत ही चीज़ें मैं हर एक चीज़ थोड़ा बहुत होती ही, हर एक चीज़ में कमी थोड़ी बहुत चीज़ में उसमें भी मुझे लगी थी, लेकिन बाइक ओवरऑल बहुत अच्छी है, हर चीज़ में फर्स्ट क्लास है, रिफाइनमेंट वगैरह माइलेज वाइलेज सब बहुत बढ़िया है। अब होंडा ने एक और 160 सीसी की सीरीज में एक बाइक और लॉन्च कर दी, होंडा की एक्सप्लेड। अब भैया होंडा ये क्यों करी लॉन्च, ये तो बता दो भैया। जब तुमने एक बाइक स्पोर्टी यंग जनरेशन के लिए लॉन्च कर दी, एक बाइक आपने फैमिली पर्सन के लिए जिसको अच्छा माइलेज चाहिए, सिंपल सी एक बाइक चाहिए, अच्छी पावर ठीक ठाक चाहिए, वो भी लॉन्च कर दी, तो तुमने बीच में उसी तरह की बाइक क्यों लॉन्च कर दी? मुझे नहीं समझ में आया क्यों लॉन्च कर दी, क्योंकि अबे अभी आप ये देखिए कि जब एक बाइक, एक नॉर्मल पर्सन जिसको एक सिंपल सी बाइक चाहिए अवेलेबल है मार्केट में, एक स्पोर्टी बाइक अवेलेबल है मार्केट में, तीसरी बाइक फिर से उसी पैटर्न पे आप लॉन्च कर रहे हैं, सेम डिजाइन, सेम टाइप सी का डिजाइन रख दिया उसको, उसको आगे से थोड़ा उसको मुंह नीचे को कर दिया, और मतलब उसको क्या अजीब सा लुक दे दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। इंजन उसका लगभग लगभग वही सेम है जो यूनिकॉर्न वाला है, वही वाला इंजन उसमें डाल दिया, प्राइस थोड़ी सी अप कर दी यूनिकॉर्न से, हॉर्नेट से थोड़ी नीचे कर दी, कुछ फीचर्स उसमें कट कर दिए, एक दो फीचर उसमें बढ़ा दिए, मतलब आपने किया क्यों, उसका बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट तब होता जब आप उससे बेहतर चीज लोगों को देते, आप होंडा हॉर्नेट से भी बेहतर चीज उसको बना के देते, उससे बढ़िया उसमें फंक्शन डाल के देते, मतलब आपका कोई मुझे रीजन समझ नहीं आया। और दोस्तों मैं सच बताऊं तो मैं, बहुत लोगों का कहना यह है कि होंडा एक्स ब्लेड का लुक उनको अच्छा नहीं लगा, बहुत लोगों का कहना यह है कि होंडा एक्स ब्लेड का लुक बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं आपको पर्सनली लाइव बताऊं तो मेरे को होंडा हॉर्नेट का लुक सबसे बेस्ट लगा। होंडा हॉर्नेट एक बैलेंस लुक बाइक है, मतलब बिल्कुल आप अगर कभी भी कहीं से भी किसी भी एंगल से देखें तो बहुत ही बैलेंस्ड बाइक ये लगती है, बड़ी सुंदर बड़ी खूबसूरत बाइक लगती है। लेकिन होंडा एक्सब्लेड थोड़ी सी ओवर लुकिंग बाइक मुझे लगी, थोड़ा सा ओवर सा जैसे फील होता है देखने में बाइक को, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि होंडा ने आखिर इस बाइक को लॉन्च किया क्यों है। जहाँ तक मुझे ये समझ में आया है, मुझे लगा कि जिन लोगों को माइलेज ज़्यादा चाहिए और डिज़ाइन थोड़ा अच्छा चाहिए, तो उनके लिए शायद ये यंग जनरेशन के लिए ही होंडा ने ये बाइक निकाली है, लेकिन ऑलरेडी यूनिकॉर्न वहाँ पे थी अवेलेबल, और होंडा हॉर्नेट का माइलेज भी बहुत अच्छा है, आप 50 के करीब आराम से माइलेज ले सकते हैं होंडा हॉर्नेट से, और 50 to 55 आपको आराम से माइलेज मिल जाता है यूनिकॉर्न 160 से, और इतना ही माइलेज आपको होंडा होंडा एक्स ब्लेड से भी मिल जाएगा। तो दोस्तों कुल मिला के मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं प्राइसिंग वगैरह सब चीज़ों की बात करूँ, तो अगर आपको एक अच्छी बाइक चाहिए 85-84 किलो 1000 की रेंज में ऑन रोड, तो आप यूनिकॉर्न लीजिए। अगर आपको थोड़ी सी अच्छी लुक में बाइक चाहिए तो आप लीजिए होंडा एक्स ब्लेड, लुक्स वाइज अगर थोड़ा अग्रेसिव सा लुक चाहिए तो, और अगर आपको बेस्ट बाइक चाहिए तो मेरे हिसाब से होंडा हॉर्नेट अभी भी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। और अब आपको उसमें ABS का ऑप्शन भी मिल रहा है, तो दोस्तों सभी चीज़ों को देखते हुए मेरे हिसाब से होंडा हॉर्नेट और होंडा एक्स ब्लेड और होंडा यूनिकॉर्न, जो तीनों लगभग लगभग सेम इंजन के साथ आती हैं, आपको अभी भी अगर आप होंडा एक्सप्लेड लेना चाहते हैं तो मेरी राय यह है कि आप होंडा हॉर्नेट लें, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि आपको होंडा हॉर्नेट के साथ जाना चाहिए, बाकी तो
आप भी, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, आप भी जा सकते हैं अपनी चॉइस के साथ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक सिंपल सी बाइक चाहिए तो आप यूनिकॉर्न 160 लें, और आपको अगर आप एक बढ़िया मस्कुलर बाइक चाहिए तो होंडा हॉर्नेट लें। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यही थी दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों याद रहे कि मैंने ऑलरेडी होंडा हॉर्नेट से रिलेटेड सारी वीडियो बना रखी हैं, आपको बाइक क्यों लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, सर्विस वगैरह सब चीज़ों के बारे में मैंने बाइक की वीडियो बना रखी है होंडा हॉर्नेट की। तो आप मेरी वीडियोस में जाके जरूर चेक कर लें उनको। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, बस आपसे आज्ञा चाहूँगा, जय हिंद, टेक केयर।